They get down and go. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Bucket List. This is me, Avishkar, and आज हमारे पास है KTM की 2022 RC 200 एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक है इसका। एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में जस्ट कल ही डाला था एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस की, क्या ओवरऑल फीचर्स दिए हैं, क्या अपग्रेड हुआ है, क्या प्राइसिंग हुआ है एंड क्या ये गाड़ी आज की डेट में पिछली वाली RC से बेहतर है या नहीं। सो ब्रो, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये गाड़ी को देखने में लुक वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट बिलीव मी गाइज, ये जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। आई नो पुराना वाला RC काफ़ी अच्छा था बट वो काफ़ी ज़्यादा सालों से था एंड दैट रियली नीडेड एन चेंज एंड ये जो KTM ने चेंज किया है दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। सो आप जो भी बोल रहे हैं कि यार पुराना RC वैसा अपडेट करना चाहिए था, ये वो, आई नो हाउ यू फील गाइज, पुराना वाला RC एकदम ज़बरदस्त दिखता था बट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा ओवरऑल राइडेबिलिटी, प्रैक्टिकल रिव्यू, प्रॉपर सब कुछ मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द वॉक अराउंड एंड क्या क्या चेंजेस हैं इफ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। तो वॉक अराउंड में आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन एलिमेंट है, जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इंटरनेशनल मॉडल टीज कर रहा था KTM, वैसा ही सेम मॉडल निकाला है KTM ने इंडिया में भी। दैट इज़ आई थिंक अ वेरी यूनिक थिंग बिकॉज यूजुअली कैसा होता है, इंटरनेशनली कंपनीज कुछ और दिखाती है, इंडिया में आते आते वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ती क्वालिटी एंड मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू लुक्स एंड क्वालिटी। तो जैसा कि आपको पता है यामाहा का भी जब तक V3 था, V2 था, V2 तो नहीं बोलेगा, V3 था, इंटरनेशनल मॉडल में अपसाइड डाउन फोक्स थे, इंडियन मॉडल में टेलीस्कोपिक डाला था जो मेरे को पसंद नहीं आया था। बट KTM ऐसा नहीं करता, KTM जो इंटरनेशनली बना रहा है वही इंडिया में लाता है, तो दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड। डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, पर्सनली आई फील लाइक दिस बाइक इज़ द वर्थ अपग्रेड बिकॉज पुराना जैसा मैं बताया मॉडल काफ़ी ज़्यादा सालों से था एंड दैट रियली नीडेड अ चेंज, एक फेस लिफ्ट देना ज़रूरी था। एंड पिछला वाला मॉडल इतना ज़्यादा सेक्सी दिखता था मेरे हिसाब से कि यार उसको अपग्रेड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज उसको और अच्छा बनाने के लिए डिज़ाइनिंग टीम एंड जो R&D टीम है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड उसके बाद ये एक फ्यूचरिस्टिक सा, काफ़ी ज़्यादा शार्प लुकिंग एंड यूनिक सा आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक वर्थ अपग्रेड है, पुराने वाले मॉडल को देख देख के लिटरली यार मैं बोर हो चुका हूँ एंड आई रियली नीडेड अ चेंज कि यार मेरे को कुछ तो नया दिखना है RC में जो KTM के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। सो आप फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं एक जो वाइज़र है, जो विंडस्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा दिया हुआ है एंड विद दैट यू गेट LED इंडिकेटर्स इनसाइड दैट फेयरिंग, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो मैं एक बार आपको गाड़ी चालू करके भी दिखा देता हूँ। सो कंसोल भी नया है, मैं एक बार इंडिकेटर्स आपको दिखाता हूँ। सो आप जैसा कि देख सकते हैं दीज इंडिकेटर्स लुक स्टनिंग इन माय ओपिनियन, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आई थिंक सो फर्स्ट इन द सेगमेंट है इस टाइप के इंडिकेटर्स जो फेयरिंग में दिए हुए हैं एंड इतने ज़्यादा नीट लुकिंग। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से इसको स्टाइल दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत एंड फिट एंड फिनिश के साथ दिया हुआ है एंड विद दैट यू गेट LED DRLs राइट ओवर हियर विद LED हेडलाइट, जिसका थ्रो वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था मेरे को। सो पिछले वाले मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थे नो डाउट, बट इस वाले मॉडल का जो थ्रो है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी इसमें दो कलर्स अवेलेबल हैं, वन इज़ सिल्वर जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, इस क्लिप में भी मैं थोड़े से शॉट डाल दूंगा सिल्वर के जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए विच कलर सूट्स फॉर यू। एंड ये वाला जो है दिस इज़ मैट ब्लैक विद मैट ऑरेंज, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा आपको, लुक्स वेरी सिमिलर टू सिग्नेचर RC कलर्स। तो ये अगर आप KTM के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ऑरेंज अलॉय के साथ आपको ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड उसके साथ साथ यू गेट अ ब्रांड न्यू डिजिटल कंसोल, ब्रांड न्यू तो नहीं बोलूँगा, दिस इज़ बीन टेकन बाय द एडवेंचर 250, तो 250 एडवेंचर से लेके इसमें डाला है। आई थिंक दैट इज़ अ वाइज चॉइस, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चॉइस था वो KTM के हिसाब से बिकॉज ये गाड़ी का 200 है, ये गाड़ी को आप TFT डालेंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड पुराना वाला कंसोल लुक्स वेरी आउटडेटेड। तो एक चीज़ ऐसी देनी चाहिए थी जो अच्छा भी कर दे, अपडेट भी कर दे एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे और बड़ी भी हो, विजिबिलिटी भी अच्छी हो। तो उस चीज़ में ये डिस्प्ले एकदम स्टैंडर्ड का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है, वेरी विजिबल एंड लुक्स क्वाइट यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक स्टाइल भी दे देता है, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। उसके साथ आप देख सकते हैं फेयरिंग के पार्ट में RC 200 लिखा हुआ है, रेड ऑरेंज एंड ब्लैक का काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे एंड विद दैट यू गेट दैट रेसिंग KTM वाला इंजन राइट ओवर हियर एंड उसके साथ साथ द ब्रांड न्यू सीट्स आर हियर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है, जो सीटिंग में एंड जो राइडेबिलिटी में थोड़ा सा इशू होता था, राइड क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब था RC का पिछले वाले मॉडल में बिकॉज इट वॉज नॉट टू कम्फर्टेबल सिटी में चलाने में, पिलियन को काफ़ी ज़्यादा इशू होता था, देर वर नो ग्रैब रेल्स फॉर द पिलियन इट्सल्फ, तो पिलियन को भी डर लगता था पीछे बैठने में, ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे थे।
तो उस चीज़ में KTM ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से R&D करके ये जो सीट्स दी हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जो कंफर्टेबल कंफर्टनेस है गाड़ी को चलाते हुए, राइडेबिलिटी, वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इट इज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस जनरेशन राइडर के लिए भी एंड फॉर द पिलियन इट्सेल्फ। मैंने दोनों जगह बैठ के गाड़ी को एक्सपीरियंस किया हूँ, उसके बाद ही मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो ग्रैब रेल्स काफ़ी अच्छी हैं पिलियन के लिए भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पीछे बैठने में, डर नहीं लगेगा। एंड अगर आप पुराने RC के बाद नए RC में बैठेंगे तो आपको पक्का ही पक्का कंफर्टेबल राइडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। टेल लाइट भी थोड़ी स्टाइलिश आगे ज़्यादा हो गई है, तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द डेप्थ, द 3D-ness ऑफ दिस टेल लाइट। इट इज़ आई थिंक अ वेरी निफ्टी फीचर, निफ्टी तो नहीं बोलूँगा बट बहुत स्मॉल चेंज है, बट लुकिंग वेरी वेरी सटल एंड अमेजिंग। एंड इंडिकेटर, जैसा आपको पता है KTM LED इंडिकेटर्स ही देता है, विच लुक्स वेरी शार्प एंड उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नीट भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। उसके बाद एक जो बिग एंड ह्यूज चेंज है वो ये है कि पहले जो RCs आती थी उसमें 9.5 liters के आसपास का फ्यूल टैंक आता था, बट ये वाली जो RC है इसमें आपको मिलता है 13.7 का फ्यूल टैंक, विच इज़ मैसिव, बिकॉज 9.5 से डायरेक्ट 13.7 इतना तो यार ड्यूक का भी नहीं है। ड्यूक का भी समय अराउंड 13.5 liters, तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे दिया है, जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा यूजेबल बना देता है प्रैक्टिकली, बिकॉज आपको फ्यूलिंग साइकिल्स कम हो जाती है एंड गाड़ी का रेंज बढ़ जाता है और आपको टेंशन भी नहीं होती कि यार अभी फ्यूल अप किया था, 2-3 दिन में फ्यूल डाउन हो गई गाड़ी। एंड आपको पता है फ्यूल का थोड़ा प्राइस ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा दिल में दर्द भी होता है यार, समझ जाओगे आप। एंड उसके साथ जो बैटरी था वो पहले वाले मॉडल में कहीं से यहाँ से निकलता था, नाउ दे हैव शिफ्टेड इट टू हियर। एंड ये वाला पार्ट इज़ फाइबर, बट टॉक अबाउट दिस पार्ट, दिस इज़ प्योर मेटल। तो बिल्ड क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली नाइस। एंड उसके साथ साथ न्यू कंसोल, दिस गिव्स यू एवरी इन्फॉर्मेशन। इस कंसोल के ऊपर मैं 250 एडवेंचर के साथ जब ये आया था उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको चेकआउट करना है तो कर सकते हैं आप, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको, बस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा आपको। एंड विद दैट यू गेट अपसाइड डाउन फोक्स एट द फ्रंट, WP के हैं, 43mm के हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, नो कंप्लेंट्स इन रिगार्ड्स टू सस्पेंशन। पीछे भी आपको WP Apex का ही मोनोशॉक मिल जाएगा, विच इज़ एडजस्टेबल एंड उसका जो ट्रैवल है दैट इज़ आई थिंक प्रीटी नाइस। आई थिंक आगे वाले सस्पेंशन का थोड़ा सा ट्रैवल इंक्रीज़ कर दिया है, तो उससे आपका राइड क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। एंड जो अलॉयज़ हैं उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है, सो नाउ दिस इज़ 5 element या 5 design वाला जो है वो अलॉय है। सो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके इसको कनेक्ट किया हुआ है। सो जो नया स्टाइलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, ऑरेंज अलॉय व्हील्स लुक्स वेरी नाइस। एंड फ्रंट की तरफ आपको MRF Rev Z के Rev C1 के 110 सेक्शन के टायर देखने के लिए मिल जाएंगे, 17-inch अलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी अच्छे हैं। एंड विद दैट ऑन दिस साइड यू गेट 320mm डिस्क ब्रेक। नाउ दिस डिस्क ब्रेक आई गेस इज 4 piston एंड दैट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, बिकॉज आई गेस पिछले वाले RC में 2 piston वाला ही डिस्क ब्रेक आता था, बट नाउ इट इज़ 4 piston, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए एंड वो अभी हम राइड करते हुए टेस्ट करेंगे। तो दिस इज 320mm फ्रंट डिस्क विद डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड इन दिस बाइक। एंड इसमें आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन है, सो नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन टर्न ऑफ, यू हैव दैट ऑप्शन टू टर्न ऑफ द रियर ABS इफ यू वॉन्ट टू। सो दैट आई थिंक अगेन इज अ फर्स्ट इन क्लास फीचर वेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। ड्यूक में आता था बट इसमें डालना थोड़ा ज़रूरी हो गया था, बट रिमेंबर दिस डजेंट कम इन ड्यूक 200, ड्यूक 250 एंड 390 में ही मिलेगा आपको, एंड एडवेंचर 250 एंड 390 में मिलेगा। 200 सीरीज़ में फर्स्ट इन सेगमेंट है। एंड उसके साथ रियर डिस्क की बात करूँगा तो पहले टायर बता देता हूँ, सो 150 सेक्शन का MRF Rev C के टायर देखने के लिए मिलेंगे आपको, 17-inch के अलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, डिस्क ब्रेक पीछे वाला 230mm का है, वाइब्रेट कैलिपर्स दिए हुए हैं, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो चीज़ अच्छी थी उसको वैसे ही रखा है। एंड विद दैट दे हैव केप्ट दैट अंडरबेली एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे को, बट 200 के हिसाब से इट इज़ फाइन, पहले वाले जैसे ही मॉडल का है, जैसा 200 प्रीवियस जनरेशन था वैसा ही समवॉट साउंड करता है। सो मेरे को अगर इसमें एक साइड माउंटेड एग्जॉस्ट आ जाता जैसा इंटरनेशनल मॉडल में RC 390 के देखने के लिए मिल रहा है हमको, वैसा आ जाता तो यार गाड़ी मज़ेदार ही हो जाती बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अंडरबेली आई डेंट फेल्ट टू गुड अबाउट इट, बट या आई थिंक सो 390 वाले मॉडल में वो ज़रूर आएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। एंड विद दैट यू कैन सी द न्यू मिरर्स एंड द न्यू कॉकपिट व्यू, सो दिस इज़ द न्यू कॉकपिट व्यू, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, एंड न्यू लुक तो है ही। एंड मिरर्स जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, एंड दीज आर ऑन अ आउटर साइड, तो आपको पीछे क्या चल रहा है वो अच्छे से बता देंगे ये, तो वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल गिव्स यू एवरी इन्फॉर्मेशन, जैसा मैं बताया था जो चाबी का हुक है दैट इज़ गॉन टू द
लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा लेफ्ट हो गया है, सो अभी आपको यहाँ चाबी डालनी है। की रिमेंस द सेम, जैसा कि आप देख सकते हैं KTM सिग्नेचर की विद दैट फ्लोइंग जो डिज़ाइन है वैसा। एंड ओवरऑल ये है इसका ऊपर का व्यू। आई थिंक आई रियली लाइक दिस बाइक बिकॉज जैसा कंपनी टीज कर रही थी उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आई है। सो अभी मैं इसके थोड़े से इंजन एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। सो दिस इज़ अ 200cc सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन विच प्रोड्यूसेस 25.8 PS एंड 19.5 Nm टॉर्क। तो पावर रिमेंस मोर और लेस द सेम, 25 के आसपास आपको BHP मिल जाएगा, 19.5 के आसपास आपको टॉर्क मिल जाएगा। 200cc में वन ऑफ द बेस्ट केपेबल मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कैटेगरी में KTM के इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लिक्विड कूल्ड 6-speed गेयरबॉक्स के साथ भी आ जाएगा एंड डुअल चैनल ABS जैसा है ही इसमें। एंड उसके साथ व्हाट यू गेट इज़ ट्विन डिस्क ब्रेक 230 एट द रियर, 320 एट द फ्रंट। एंड उसके साथ WP Apex फ्रंट में, WP Apex रियर में। एंड टायर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो द वेट ऑफ दिस बाइक इज समवेयर अराउंड 151 kg। सो गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से वेट कम भी हुआ था, इंक्रीज भी हुआ था, बट एंड ऑफ द डे द बाइक इज़ ओनली एट 151 kg, विच इज़ आई थिंक प्रीटी नाइस बिकॉज पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा बन जाता है इस गाड़ी का। एंड LED तो आपको हर जगह ही देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड प्राइस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड वेरियंट मतलब जो एक शोरूम प्राइस है इसका, दैट इज़ 2.08 lakhs एक शोरूम। सो उसके ऊपर इंश्योरेंस रोड टैक्स वगैरह ऐड होगा, डिपेंड्स ऑन विच इंश्योरेंस यू टेक, कौन से सिटी एंड स्टेट में रहते हैं उस हिसाब से आपका रोड टैक्स भी डिफरेंशिएट करेगा। बट दिस बाइक इज़ राइट नाउ अवेलेबल एट साई सर्विस KTM वाकड़ेवाड़ी। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के पार्ट में भी डाल दूंगा। जस्ट कॉल देम आउट इफ यू आर लिविंग इन पुणे, दे हैव सम ऑफ द बेस्ट डील्स ऑन KTM इटसेल्फ, सो मेक श्योर टू कॉल देम आउट। एंड अभी यही था इसका थोड़ा, आई नो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि मेरे को डिटेल्ड करना था, आपको सब कुछ बताना था। एंड अभी चलते हैं इसको राइड की तरफ, आई लेट यू नो राइड क्वालिटी कैसा है, सेटिंग पोस्टर कैसा है एंड गाड़ी चलाने में मजा आता है कि नहीं एंड ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग। सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस अमेजिंग मशीन एंड मेक श्योर बिफोर राइडिंग यू आर वेयरिंग द बेसिक सेफ्टी गियर्स। एंड लेट मी जस्ट हॉप ऑन द बाइक। एंड हॉप ऑन होने के पहले मैंने जस्ट एक चीज़ नोटिस की, द पिलन सीट इज स्टिल ऑन अ हायर लेवल। जो लोग बोलते हैं यार फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर बैठा हूँ वो अभी भी फील आएगा, बट इट इज़ मोर कम्फर्टेबल देन बिफोर। एंड अ वेरी न्यू कॉकपिट व्यू विच इज़ लाइक वेलकमिंग यू जैसे आप गाड़ी में बैठेंगे। मिरर्स एकदम अमेजिंग है, थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं हम, क्रैंक अप करते हैं बाइक एंड फर्स्ट गियर लेट्स गो। सो सिटिंग पहले से कंफर्टेबल हो चुकी है, नो डाउट्स इन दैट। एंड गाड़ी को लीन करने में भी आई थिंक पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट एंड राइडेबिलिटी वो भी हो रहा है। सो ट्रैक रेडी बाइक है, ऑब्वियसली दिस इज एन RC। एंड पिकअप वगैरह काफी अच्छा है, लो एंड ग्रंट इज प्रीटी नाइस। एंड गेयरबॉक्स इज वेरी प्रिसाइज, नो फॉल्स न्यूट्रल टिल नाउ, हार्ड शिफ्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्लच इज ऑन द लाइटर साइड, थ्रॉटल इज वेरी प्रिसाइज and brakes are just amazing. So जो आगे 4-piston caliper की है and आप शायद से headlight अभी अगर judge कर पा रहे हो तो so headlight काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताती है रात में जब आप ride करेंगे। गाड़ी का जो performance है वो तो यार ज़बरदस्ती है 200cc में। With that, the footpeg positioning is still थोड़ा सा पीछे की तरफ, the handlebars are wide, so आपको बिल्कुल भी cramped up situation नहीं आएगा, palms आपके जल्दी दर्द नहीं करेंगे, it is a bit more comfortable than the previous model. And rev matching करना भी is very easy in this bike.
प्लस जो राइडर कंफर्ट है वो भी मेरे को पहले से ज़्यादा पसंद आया। जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम 5'11" इन हाइट एंड कोई भी आदमी जो 5'7" के ऊपर है वो इसको आराम से चला लेना चाहिए। इसका सीट हाइट समवेयर अराउंड 823-825 के आसपास रहेगा। आई एम नॉट श्योर, मैं आपको एक बार इस वीडियो के क्लिप में मतलब टेक्स्ट डाल दूंगा सो दैट यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीट हाइट, बट 5'7" एंड 5'6" के आसपास का आदमी इसको आराम से चला लेना चाहिए, वैसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एंड गाड़ी जो है अभी देखते हैं सड़क पे, थोड़ा बहुत लोग नोटिस करते हैं यानी, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ अटेंशन ग्रैबिंग मोटरसाइकिल विच आई एम राइडिंग राइट नाउ। एंड सिजुके क्वालिटी इज़ अगेन अप टू द स्टैंडर्ड्स। एंड लेट्स जस्ट ट्राई अ कर्व हियर। एक गियर डाउन एंड कर्व्स। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस कर्व, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था रोड कैसी होने वाली है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कर्व्स पे आई मस्ट से। एंड चची जाइए, टोटल रिस्पॉन्स इज प्रीटी अमेजिंग, brakes are doing their work at their best, gearbox is slick, बिल्कुल भी मेरे को hard shift जैसा कुछ feel नहीं हो रहा है, mirror काफ़ी अच्छा बता रहे हैं क्या चल रहा है मेरे पीछे, यानी कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। एंड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, वो अपने आप ब्राइट अप और जो उसका इंटेंसिटी है बैक लाइट का वो अपने आप ऊपर नीचे करता रहता है, अगर मैं धूप में हूँ तो शायद से लाइट अप हो जाता है एंड अगर मैं अंधेरे में हूँ तो थोड़ा डिम कर लेता है खुद को सो दैट मेरी आँखों को चुभे नहीं। एंड आई एम जस्ट इन लव विद द न्यू RC। सो जिनको भी लग रहा है नया वाला RC का लुक अच्छा नहीं है, खराब है, यार एक बार आओ शोरूम, टेस्ट ड्राइव करो, देखो सामने से, उसके बाद जजमेंट दीजिए सो दैट आपको भी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि एग्जैक्टली गाड़ी दिखता है कैसा, बिकॉज फोटोज़ एंड वीडियोज़ में कितना भी ट्राई कर लूँ जैसा सच में गाड़ी दिखता है वैसा आपको फील नहीं आने वाला है। सो अगर आपके दिमाग में है ये गाड़ी तो मेक श्योर आप एक बार शोरूम में आए अपने नज़दीकी KTM शोरूम में एंड गाड़ी को चेकआउट करें, उसके बाद ही आप जजमेंट लें, बिकॉज आई नो R1M भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, बट कैसा है ना यार, दोनों गाड़ी चलाओ या जो भी आपके माइंड में गाड़ी आपके बजट में, दोनों चलाने के बाद आपके दिल को जो छू जाए ना वही गाड़ी लेनी चाहिए, बिकॉज बाद में रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार ये ले लेता वो ले लेता, बिकॉज इसको परफॉर्मेंस में R15 बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती एंड फीचर्स में R15 इससे कॉम्पीट नहीं कर सकती, बिकॉज R15 में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें कंपैरेटिवली कम है, बट दिस इज नॉट अ कंपैरिजन वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द न्यू RC 2022 एंड ओवरऑल कैसी लगी ये गाड़ी। जैसे मैं बताया काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड आप देख सकते हैं इट्स राइट नाउ अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून एंड गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाड़ी, चलाने में भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो योर इनपुट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, क्या कमेंट है, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे यार एंड ट्राई करेंगे कि आपकी मैं थोड़ी हेल्प आउट कर पाऊँ। तो यही था इस वीडियो के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पुणे में रहते हैं तो ये रहा हमारा साई सर्विस KTM का शोरूम, आइए चेकआउट कीजिए, ड्राइव कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए।